हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज द एगी उड़ा एंटीना. ओके, सो सी, दिस इज द डायग्राम फॉर एगी उड़ा एंटीना. द फर्स्ट डायग्राम इज द कंस्ट्रक्शन. ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एगी उड़ा एंटीना. वी ऑलरेडी दिस एगी उड़ा एंटीना वी यूज इन अ ओल्ड ईयर्स, मीन्स पुराने इसमें हम लोग यूज़ करते थे ये एंटीना टीवी के लिए. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है. सो इसमें जो है ये फर्स्ट जो रहता है वो रिफ्लेक्टर रहता है. ओके, बाद में जो आएगा वो ड्रिवन एलिमेंट मीन्स डायपोल रहेगा. ओके, और जो नेक्स्ट रहेगा वो इट इज़ अ डायरेक्टर. यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो डायरेक्टर रहेगा. इसकी जो लेंथ वेवलेंथ जो दी है 0.55 लैम्ब्डा दी है, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है. और ये इसमें जो गैप रहता है ये फॉर द पर्पज ऑफ सोर्स, फ्रॉम द सोर्स. ओके, और बाद में ये जो डायग्राम दिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एगी एंटीना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है. देखो, टीवी के लिए हम लोग पुराने इसमें यूज़ करते थे ओल्ड ईयर्स में. ओके, सो ये इसी तरह आपका एंटीना दिखता था, टीवी का एंटीना रहता था ये. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एगी एंटीना और एगी उड़ा एंटीना. दो नाम है, एगी एंटीना और एगी उड़ा एंटीना. ओके, आफ्टर दैट वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ एगी उड़ा एंटीना. फर्स्ट द फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एगी उड़ा एंटीना in which we have used three directors, one dipole and one reflectors. okay, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया है क्या है, थ्री डायरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं. फर्स्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्टर है, और जो नेक्स्ट है वो आपका क्या रहेगा, दैट इज़ अ डायपोल. ओके, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थ्री डायरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, देन सी द लेंथ ऑफ द डायरेक्टर एंड रिफ्लेक्टर इज रिस्पेक्टिवली 0.45 लैम्ब्डा एंड 0.55 लैम्ब्डा. ओके, जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है इसकी लेंथ कितनी दी है, 0.45 लैम्ब्डा. एंड रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर की जो है ये वाला पोर्शन जो है उसकी लेंथ दी है, देखो दैट इज़ द 0.55 लैम्ब्डा. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टर एंड द डायपोल. रिफ्लेक्टर एंड डायपोल एंड डायरेक्टर आर सेम, दैट इज लैम्ब्डा बाय 2. मीन्स जो रिफ्लेक्टर है और डायपोल है और डायरेक्टर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है हम लोग बोल सकते हैं, वो सेम रहेगा, दैट इज लैम्ब्डा बाय 10. ओके, देन सी द आउटपुट ऑफ एंटीना इज कनेक्टेड टू द टीवी. इसका जो आउटपुट है एंटीना का जो आउटपुट है, हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, टीवी को कनेक्ट करते हैं. दिस एंटीना कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव. ये जो एंटीना हम देख रहे हैं ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, मीन्स एज अ ट्रांस रिसीवर करके ये काम कर सकता है. ओके, देन दिस वॉज इन्वेंटेड बाय एगी एंड उड़ा द टू साइंटिस्ट. अभी ये जो है ये इसका नाम कैसे हुआ है, दो साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है, इन्वेंट किया है. तो उनका नाम है, एक का नाम है एगी और दूसरे का नाम है उड़ा. इसलिए ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एगी उड़ा एंटीना. ओके, देन सी द नेक्स्ट, दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टिविटी. ये जो है एंटीना ये किससे बनता है, दैट इज़ एल्यूमिनियम से बनता है. ओके, सो इसका जो कंडक्टिविटी रहती है वो कैसी रहेगी, गुड कंडक्टिविटी रहेगी. ओके, इन दिस वे ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है एगी उड़ा एंटीना का. ओके, सो सी दिस डिटेल्स इन नोट्स फॉर्म. These are the notes that already discuss in this lecture. Okay, these are the details notes. Please note that these notes. Then after that, we see the, this is the radiation pattern of Yagi antenna.
already this diagram will already see that is this is reflector dipole and these remaining will be directors. After that this is the radiation pattern of Yagi antenna. ये क्या है फ्रंट लोब है एंड दिस इज वन इज द बैक लोब है ओके दिस वन इज द रेडिएशन पैटर्न ऑल दिस इज द रेडिएशन पैटर्न देन आफ्टर दैट वी सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यागी एंटीना सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज़ अ डायरेक्शनल एंटीना सेकंड इट इज इट हैज़ अ मॉडरेट गेन ऑफ अबाउट 7 dB. Third, it is a very compact. Four, large bandwidth. Fifth, can be used at a high frequency. And sixth, it is a adjustable front to back ratio. Okay. And disadvantage is that the gain is not very high. Second, it is need a large number of elements to be used. Okay. यहाँ पे gain जो इसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लगते हैं यागी उड़ा एंटीना को सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आफ्टर दैट वी सी द अप्लीकेशन इन अप्लीकेशन वी सी द फर्स्ट यागी एंटीना इज यूज एज अ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटिंग एंटीना सेकेंड इट कैन बी यूज एट अ हायर फ्रिक्वेंसी एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एज अ टीवी रिसीविंग एंटीना देन स्टॉक ऑफ यागी एंटीनाज कैन बी यूज एज अ सुपर गेन एंटीनाज ओके सो दीज आर द अप्लीकेशंस ऑफ यागी उड़ा एंटीना सो इन दिस लेक्चर वी कवर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ यागी उड़ा एंटीना सो थैंक यू वेरी मच